नमस्कार। ये होर्डिंग क्यों हो रही है भाई? भी बात उनको रखनी है, अपनी बात को रखेंगे सभी प्रत्याशी, तभी हम शुरू करेंगे। टाइमर हमने रोक दिया गया। शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों, सबको सादर प्रणाम। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज। आप लोग की बात हो रही है, संगठन में गुंडागर्दी आरंभ हो गई है। अभी से यह साजिश है, राजकीय शिक्षक संघ को 6 साल तक जिंदे रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर बोल नहीं दिया जा रहा है। पहले शिक्षक साथियों को ऐसा वेतन मानने के लिए, रोकने के लिए 3-3 आदेश किए गए, फिर यह साजिश की गई ताकि सोन बाजरा इस मंच से बोल न पाए। इसके लिए शाम के 8 बजे सभा की जा रही है ताकि यहाँ पर से लोग हुड़दंग कर सके, मादक पदार्थों का सेवन कर सके। ये वीडियो कॉलिंग हो रही है, मादक पदार्थों का सेवन करके राजकीय शिक्षक संघ के में जो लोग आज गुंडागर्दी कर रहे हैं वो कई संगठन को बचाएंगे। 6 साल तक जो लोग मुझे हटा नहीं पाए, 6 साल तक जो लोग मुझे बदनाम करते थे, आज जो लोग इस संगठन को बचाने की बात कर रहे हैं, वो स्टेप बैक उठा के देखे। जिस दिन सोन माजरा आंदोलन कर रहा था उस दिन यह कह रहे संगठन वहां पर है कोई देना देना नहीं है। जिस दिन आपके शिष्यों के रूप में हिंदुस्तान आर्मी अभिनंदन कर रहा था, ये लोग घर में सो गया अभिनंदन कर रहे थे, उसी जगह जी भी शिक्षक साथियों को अगर गुंडागर्दी से इस राजकीय शिक्षक संघ को चलाया है, निश्चित तौर पर आपकी नाराजगी मेरे से हो सकती है। मैंने यदि कोई काम नहीं किया उसकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आरोप उसे जो है संगठन को चलाना चाहते हैं, जो कहते हैं 2 महीने में हम सारे कार्य कर देंगे, उनने 6 साल तक इस संगठन में कहां सहयोग किया? जो संगठन के सत्ता को चंदा कहते थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं, हम संगठन को बचाएंगे। इस संगठन की ऐसी दुर्गत हुई है, इस संगठन की दुर्गत होने के कारण ये लोग हैं जो 2017 में चुनाव हारने के बाद पहले दिन से सोशल मीडिया में संगठन को बदनाम कर रहे थे, संगठन को बदनाम कर रहे थे, संगठन के खिलाफ लिख रहे थे। आज जो संगठन बचाने की बात करते हैं, लोगों को शराब पिला के गुंडागर्दी करते हैं। और जहां पर अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने 8 बजे सभा जानबूझ पर रखी है। आपका जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। और आज ये लोग कह रहे हैं संगठन खत्म कर दिया, कल ये लोग कहेंगे कि माजरा काम नहीं करने देता है। क्या राजकीय शिक्षक संघ का चुनाव मुद्दों में होते माजरा बंद होना चाहिए? सारे लोग माजरा पे गुना, चाहे वो संयुक्त मंत्री का प्रत्याशी हो, चाहे उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हो, सर माजरा खराब है। अरे माजरा खराब है तो इस संगठन में ब्लॉक से लेकर प्रांत तक 900 पदाधिकारी है, और 900 पदाधिकारी 5 साल तक क्यों नहीं हटा पाए हम थे उनमें जितना जो एक गलत व्यक्ति को नहीं हटा पाए वो संगठन का काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आने एक संगठन को बचाना है तो आप सही निर्णय लीजिए। अगर इस संगठन में आपका निर्णय मेरे विरुद्ध रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं कभी संगठन के खिलाफ नहीं लिखूंगा, मैं संगठन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं संगठन के लड़ूंगा। तीन आदेश होने के बाद आज 8 बजे रात तक इतने शिक्षक साथी यहाँ पर इकट्ठे हैं, आपको मेरे नेतृत्व में विश्वास है, बिना छुट्टी के आप आए हैं, मैंने आपकी छुट्टी स्वीकृत कराई है। मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकीय शिक्षा संघ का गुंडागर्दी से बचाना है, एक सही नेतृत्व को लाना है। जय हिंद, जय राजकीय शिक्षा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकीय शिक्षा संघ जिंदाबाद, धन्यवाद।
आभार एक जिम्मेदार है। ये अधिवेशन आपने संपन्न कराया, इस बार इसमें आप आए, आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सभी का, और आप काम में हैं, और कल का कार्यक्रम आपको बता दिया गया, उसी के अनुरूप का